को मंत्र कहा टेक्नोलॉजी दोस्त, इसका गुलाम मत बनिए, टेक्नोलॉजी से दूर रहकर जरूर माता पिता के साथ बिताएं समय। दिल्ली के दंगल में आपको परास्त करने को बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, उतारेगी पीएमसीएम से लेकर फिल्मी स्टार्स। बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव आज, जेपी नड्डा का अध्यक्ष चुना जाना तय, नामांकन के वक्त कई दिग्गज रहेंगे मौजूद, देर शाम तक हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान। अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली से भरेंगे पर्चा, नई दिल्ली सीट से लगातार दो बार जीता चुनाव, बीजेपी कांग्रेस ने अभी नहीं उतारा उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा पैसे की कमी नहीं है बल्कि सरकार में फैसले लेने की हिम्मत नहीं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का नेशन लाइव में, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2020 का कार्यक्रम आज तालकटोरा स्टेडियम में शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे, वहीं उनसे पूछा गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का छात्र के जीवन में क्या रोल होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ी में जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, इसका भय नहीं आने देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त माने। पीएम मोदी ने कहा कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। स्मार्टफोन आपके समय की बर्बादी करता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी को अपने काबू में रखना अनिवार्य है, टेक्नोलॉजी को दोस्त समझिए, गुलाम मत बनिए। उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए। नहीं हुआ हमको ऐसा कर देती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था, कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था। चुनाव की दहलीज पर खड़ी दिल्ली को लेकर एक सवाल चर्चा में है, क्या कोई चेहरा इस बार चुनाव की चाल बदल सकता है। ये वो सवाल है जो अब आए दिन ट्विटर हैंडल में दिख रहा है और दोबारा सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को खूब रास आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में ताल ठोक रही पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास मौजूदा मुख्यमंत्री के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और तीमारपुर सीट से उम्मीदवार दिलीप पांडे कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में न मुद्दे शेष हैं और न ही नेतृत्व बचा है। लेकिन क्या वाकई एक अदद चेहरा चुनाव की चाल बदल सकता है? जनपद बाराबंकी के राजकीय इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम मैदान में बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पोषण अभियान 2020 सह आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, जिले के कई विधायक, जिलाधिकारी आदर्श सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में ऊपरी आहार को बढ़ावा देना, उचित समय पर कुपोषण पर रोकथाम लगाई जा सके, बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक मानसिक विकास हो, पर्याप्त प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और ऊर्जा का बच्चों में संचार हो सके रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री स्वाति सिंह ने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलते हुए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पौष्टिक थाली देकर की। मेरे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज बाराबंकी जनपद में हम लोगों ने 200 नए आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया है जो बनके तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्राथमिक विद्यालय को सुदृढ़ किया, वो चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भी उसी तरीके से सुदृढ़ हो जाए और उसको एक प्री स्कूल की तरह, हम उस प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट पर काम करें, उस काम को हम कर, ताकि हमारे बच्चे जब प्राथमिक विद्यालय में जाएं। आज होता ये है कि शहरों में आपने देखा होगा लोग जो नॉर्मल स्कूल में भेजने से पहले वो प्री स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट पे ऐसा काम कर रहे हैं कि जब उन्होंने प्राथमिक विद्यालय को पब्लिक स्कूल की तरह बना दिया, तो जरूरी है कि आंगनबाड़ी भी उसी कॉन्सेप्ट पे, प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट पे और प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट पे हम काम करें, और उस पर कर रहे हैं और अग्रसर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन। मैडम,
20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जनपद बिजनौर सहित कई क्षेत्रों में सीए को लेकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा के दौरान जनपद के नेहटौर थाना क्षेत्र में दो युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, साथ ही तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं दोनों मौत के बाद अखिलेश के कहने पर बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अपने सपा विधायकों और पूर्व मंत्री के साथ 30 दिसंबर को मृतक के घर वालों से मिले थे। साथ ही इस घटना में घायल युवराज सैनी के घर पर भी पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे, तो वे आज फिर से सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मृतक अनस और सुलेमान के घर पहुंचे और उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी और घायल ओमराज को 50,000 की धनराशि के चेक दिए। पिछली बार 30 तारीख को हम लोग पूरी पार्टी के लोग आए थे, थोड़ा सा दर बढ़ा और उस समय हम आश्वासन देके गए थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बातचीत करके हम इन परिवारों की सहायता के लिए प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न केवल नेटवर्क के पीड़ितों को बल्कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ लोग भी NRC CAA के विरोध में जो एक शांतिपूर्वक आंदोलन था उस आंदोलन में पुलिस से शिकार में समझता हूँ उत्तर प्रदेश से तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग हैं अलग अलग शहरों में। कई जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं भी गए, लखनऊ पहुँचे, कानपुर पहुँचे, फिरोजाबाद पहुँचे और नेटवर्क के लिए उन्होंने मुझे और मेरी यहाँ की स्थानीय पार्टी को आदेश किया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से जो मृतक हैं यहाँ सलमान के यहाँ हैं इनके लिए 5 लाख, अनस उनकी पत्नी के लिए 5 लाख, जो घायल थे सैनी साहब उनके लिए भी 50,000 का हम लोगों ने इंतजाम किया है पार्टी की तरफ से और उसको सहयोग के रूप में हम लोग दे। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है। सरकार का दावा है कि हमने विकास हर गांव तक पहुंचाया, लेकिन हम आज आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ताजा मामला है गुन्नौर तहसील के विकास खंड गुन्नौर के बीचपुरी सैलाब का। बता दें कि आगामी 29 जनवरी को मुख्यमंत्री की गंगा यात्रा संबल के भारद्वाज आश्रम गंगा तट पर जाएगी, जिसको लेकर मुख्य मार्ग के रूप में ग्राम बीचपुरी सैलाब को चुना गया है। लेकिन जिस रास्ते से यात्रा को जाना है उसका हाल देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस रास्ते से वाहन क्या कोई व्यक्ति पैदल भी यात्रा कैसे कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री गंगा यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन अधिकारी गांव के मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंचे। वहीं अब ग्रामीणों ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। जिस रास्ते में गंदी और दलदल बना हुआ है उसी रास्ते पर जगह जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गंगा यात्रा के स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर जगह जगह सरकार का मजाक बनाया जा रहा है। खबर यूपी के अलीगढ़ से, होलमार्क ज्वेलरी को लेकर सरकार ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। अब ज्वेलर्सों को सिर्फ होलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेचना होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये नियम 15 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। इस गाइडलाइन के अनुसार ज्वेलर्स को 1 साल की छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत वो अपना पुराना माल बेच सके। 15 जनवरी 2021 से ये नियम सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। 15 जनवरी 2019 के बाद ज्वेलर्सों को होलमार्क ज्वेलरी बेचनी अनिवार्य होगी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होलमार्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की ही ज्वेलरी बेचने का प्रावधान है। ये सरकार की बहुत अच्छा उठाया हुआ कदम है और इससे ग्राहक को बहुत फायदा होगा। जिसमें 3 कैटेगरी में होलमार्क सिस्टम रखा गया है, इसमें आपका कोई सुझाव है? ये 3 कैटेगरी तो होनी चाहिए, यदि इसके संग 20 कैरेट भी खुल जाए तो छोटे दुकानदारों के लिए बहुत फायदा होगा। सरकार ने हर ज्वेलर्स को BIS से रजिस्टर करने के लिए बोल रखा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इसके हम लोग सभी लोग तारीफ करते हैं। इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहक को उसके पैसे का पूरा माल। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन साजन मंडल में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी और व्यापारी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर संगठन के विस्तार की कड़ी में दूसरे संगठनों से त्यागपत्र देकर युवा के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित 32 पदाधिकारियों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो वही व्यापारी समाज को मजबूत करने और सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य सम्मानित भी किया गया है और नव मनोनीत सभी लोगों ने एक दूसरे को फूलमाला डालकर स्वागत भी किया। लोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक भाईचारा कार्यकर्ता सम्मेलन हमने आज आए पर आयोजित किया है और जिसके अंतर्गत जनपद रामपुर के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नीति से हमारे सभी समाजों के लोग आज हमारे उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमने उत्तर प्रदेश
उद्योग व्यापार मंडल छोड़कर फाती त्यागपत्र देकर आए हमारे फाती हमारे मौजूद हैं श्री राजीव गुप्त शर्मा जी, इनको युवा व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष बनाया गया, मनोनीत किया गया है सर्वसम्मति से, पूरा चुनाव हुआ और विधिवत प्रणाली से इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी साथियों ने इनका माल्यार्पण करके स्वागत किया, इनकी पूरी कार्यकारिणी 35 लोगों की कार्यकारिणी के साथ सभी का स्वागत यहाँ पर किया गया है। श्री राजीव अग्रवाल जी, उनको जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, संजय गर्ग जी उपाध्यक्ष हैं, हंसराज अरोरा जी, विनीत जी, सब लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस भव्य कार्यकारिणी को पूरे जनपद के अंदर इस तरीके से डटाया गया कि जनपद के अंदर एक क्रांति होगी और ये लोग जनपद के चप्पे चप्पे में एक एक गांव पर, एक एक ब्लॉक पर, एक एक तहसील पर व्यापार मंडल खड़ा करेंगे और व्यापारी समाज की वो ताकत नजर आएगी कि राजनेता लोग भी देखते रह जाएंगे कि व्यापार मंडल क्या ताकत है। अच्छा, व्यापार जो है बहुत बुरी जो है स्थिति में है और लोग बड़े परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम बहुत ही जल्दी कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि देश की जो GDP डाउन है उसको उठाने के लिए हम लोगों की ये मांग है कि इनकम टैक्स के कड़े प्रोविजन में छूट होनी चाहिए, ताकि भारत सरकार में जो बजट पास करने जा रही है केंद्र सरकार, उसके अंदर इनकम टैक्स के प्रोविजन में इतनी छूट मिल जाए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि हमारे देश में भारत देश पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनकर विकसित हो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हमारे देश के लिए और हमारा प्रयास है। और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था अगर कोई बढ़ा सकता है तो व्यापार मंडल बढ़ा सकता है, इसीलिए हम जनपद के कोने कोने पे, देश के कोने कोने पर लघु उद्योग बढ़ा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं और दुकानों के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में व्यापार मंडल लगा। जय व्यापार। यूपी के हमीरपुर जिले में बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते सिपाही ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी है। मामला हमीरपुर जिले के मोदा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनगंज का है, जहां पर यूपी पुलिस ने सिपाही इरशाद के बच्चों के विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ पहले तो लाठी डंडे और फरसे से मारपीट कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये बच्चों बच्चों में झगड़ा हो गया था, हम बचाने के लिए गए तो वो प्लानिंग के साथ आके सब बस मारपीट करने लगी। कोई लाठी लिए था, कोई फरसा लिए था, वो जो पुलिस में है उन्होंने 3-4 फायर किए। किसने? रोजिन कहाँ के हैं? मोहल्ला का है, मोहल्ला कराने वाला पुलिस में है, उसने फायर 2-3 ठोकर दिए एक औरत के, मैं भीड़ में छापे भी लग गए, थाने चली गई, वो गोली चली है। हाँ, गोली चली है, 3-4 फायर किए उसने, वो अपने आप का गुंडा भी बहुत बड़ा मानता है। आज दिनांक 19/1/2020 शाम करीब 6:30 बजे मौदा कस्बे में शाम वो दो परिवार के बच्चे आपस में किसी बात पर झगड़ा कर लिए थे, जिसी बात में बाद में परिवार के बड़े भी शामिल हो गए और एक पक्ष द्वारा कथित रूप से दूसरे पक्ष को गोली चलाकर और अन्य प्रकार से घायल कर दिया गया है। जो घायल पक्ष है उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो नामजद आरोपीगण है उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। शेष अभियुक्तों के खिलाफ भी दबिश दी जा रही है और जो भी घायल हैं फिलहाल उन सभी को जो प्राथमिक उपचार है वो उपलब्ध कराया जा चुका है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही हमारे सामने अन्य जो भी साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। बढ़ते आगे, असम राज्य के नलबारी के सेंग नोई ग्रामीण में नलबारी प्रशासन के उद्योग में और नलबारी क्रीड़ा विभाग के सहयोग में भूगोली मेला आयोजित किया गया। इस मेले में नलबारी के डिप्टी कमिश्नर भारत भूषण देव चौधरी, नलबारी के विधायक अशोक शर्मा, नलबारी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उदादित्य गोगोई के साथ नलबारी क्रीड़ा विभाग के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इस अनुष्ठान में नलबारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। इस भूगोली मेला में नलबारी के बाहर से भी लोगों ने आकर हिस्सा लिया। ये जो हम लोग 2 दिन का जो प्रोग्राम लिया है भोगाली धेमाली नाम करके, ये नदी के पास, ये हमारे सामने पगलाडिया नदी है और इसी तरह असम में इतनी नदियां हैं और नदी के पार इतनी खूबसूरत है तो उसमें आकर किसी का भी मन बहल जाता है। तो ये 2 दिन में हम लोग ऐसे कुछ रखा है, इसमें कोई कृत्रिम, कोई आनंद का कोई परिसर नहीं है, कोई यांत्रिक नहीं है, इसमें अपने आप से छोटे छोटे बच्चे आया और पानी में खेला वो लोग और सब कुछ
खुश होकर वो लोग वापस जा रहा है। ये हम लोग का सक्सेस है ये दो दिन का। और हम लोग सोचते हैं असम में जितनी नदियां हैं और नदी के पास जितने मतलब इलाका है, ये इलाका को हम लोग अगर सही ढंग से उन्नयन करते हैं तो एक अलग क्षेत्र इससे आविष्कार। असम के जोरहाट जिले के तियोक में छात्र संस्था के सदस्यों के जरिए स्थानीय विधायिका को काला झंडा दिखाया गया। बता दें कि असम का को लेकर छात्र संस्था का विरोध जारी है। आज तियोक के स्थानीय विधायिका रेनुकमा राज खोवा जब पूर्व छात्र नेता के स्मृति दिवस पर हिस्सा लेने के लिए जाते वक्त तियोक के भोगा मुख पर आंसू के सदस्यों ने विधायिका की गाड़ी को रोककर काला झंडा दिखाकर बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और करीब एक घंटे तक विधायिका की गाड़ी को रोककर रखा गया। জনপ্ৰতিনিধি তেওঁ হাংগু পাণ্ডু তেওঁ মানে চুপাৰ এম এ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ বিকাশ শইকীয়াই যিজন অগ্ৰপদলৰ যোৰহাট জিলাৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিকাশ শইকীয়া আৰু তিয়ক জিলা পৰিষদৰ সদস্য মহেন্দ্ৰ গগৈৰ নেতৃত্বত তিয়ক সমষ্টিত মুক্ত আৰু গুপ্ত হত্যা ৰচনা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে মুক্ত হত্যা আৰু গুপ্ত হত্যাৰ নাটক অৱসান ঘটক, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে আপোনাক ক্ষমা নকৰিব। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।